मेरे को बैक पेन की दिक्कत थी, जो कि मैंने बहुत सालों से ट्रीटमेंट करवाया और ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी उसका परमानेंट इलाज नहीं हो पा रहा था। एक्चुअली क्या L5 जो कहते हैं, डॉक्टर ने मुझे L5 बताई थी, L5 में गैप बताया था जी। देन साइटिका की प्रॉब्लम हो रही थी और जो है स्लिप डिस्क जो कहते हैं, मतलब खड़े होने में बहुत तकलीफ हो रही थी। देन मेरे हाथों में भी दिक्कत हो रही थी, तो उसके इलाज के लिए मैं आज से 3 दिन पहले आया था। मेरे को लग रहा था कि मैं हफ्ते भर चल भी पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा, लेकिन पहली सिटिंग, दूसरी सिटिंग और तीसरी सिटिंग में आज देख ही रहे हैं कि मैं बढ़िया सुकून से बोल पा रहा हूँ। नहीं तो पहले दिन तो ऐसा लग रहा था कि बैठ भी पा रहा हूँ कि नहीं बैठ पा रहा हूँ, लेट भी पा रहा हूँ कि नहीं लेट पा रहा हूँ, मतलब सोते समय भी मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी। लेकिन अब ये है कि प्रॉपर हाथ पाँव भी चल रहे हैं, चल भी रहा हूँ। और देन जो चीज़ें मेरे साथ हो रही पंचकर्म में, ये जो कहते हैं एक आयुर्वेदिक जी, उस चीज का मेरे को आज पहली बार अनुभव लिया मैंने, तो जो अनुभव था बहुत अच्छा था। आज हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट प्रशांत सर। प्रशांत जी नमस्कार। नमस्कार प्रशांत जी, कहाँ से हैं आप? मैं होशंगाबाद से हूँ प्रॉपर जी, नर्मदा फ्रॉम जी। आपको क्या दिक्कत थी? मेरे को बैक पेन की दिक्कत थी, जो कि मैंने बहुत सालों से ट्रीटमेंट करवाया और ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी उसका परमानेंट इलाज नहीं हो पा रहा था। एक्चुअली क्या L5 जो कहते हैं, डॉक्टर ने मुझे L5 बताई थी, L5 में गैप बताया था जी। देन साइटिका की प्रॉब्लम हो रही थी और जो है स्लिप डिस्क जो कहते हैं, मतलब खड़े होने में बहुत तकलीफ हो रही थी। देन मेरे हाथों में भी दिक्कत हो रही थी, तो उसके इलाज के लिए मैं आज से 3 दिन पहले आया था। मैं एक्चुअली क्या सडनली वो बीमारियाँ मेरे को हो जाती हैं जी जी, और ये अक्सर ठंडी में मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है जी। इसके लिए आपने पहले कहीं ट्रीटमेंट वगैरह लिया आपने? मैं पिछले 6-7 साल से उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू ले रहा हूँ, बस प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा था कि लेता था और देन समय होता था, उसके बाद फिर वापस वही समस्या बन जाती थी मेरे को। एक्चुअली क्या खड़े होने में दिक्कत होती थी जी, और सडनली होता था तो आप यहाँ से लेके वहाँ तक भी नहीं चल पाते। जिस समय मैं इनके पास आया तब मैं बहुत टेढ़ी स्थिति में आया था, मतलब सीधा भी खड़ा नहीं हो पा रहा था जी। इसके लिए आपने जो पंचकर्म कराया है जी जी, तो उससे आपको कैसा महसूस हो रहा है? दवाइयाँ आप रेगुलर हमारी ले रहे हैं, तो आप कितना इम्प्रूवमेंट है? इम्प्रूवमेंट ये है कि मेरे को लग रहा था कि मैं हफ्ते भर चल भी पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा, लेकिन पहली सिटिंग, दूसरी सिटिंग और तीसरी सिटिंग में आज देख ही रहे हैं कि मैं बढ़िया सुकून से बोल पा रहा हूँ। नहीं तो पहले दिन तो ऐसा लग रहा था कि बैठ भी पा रहा हूँ कि नहीं बैठ पा रहा हूँ, लेट भी पा रहा हूँ कि नहीं लेट पा रहा हूँ, मतलब सोते समय भी मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी। लेकिन अब ये है कि प्रॉपर हाथ पाँव भी चल रहे हैं, चल भी रहा हूँ। और देन जो चीज़ें मेरे साथ हो रही पंचकर्म में, ये जो कहते हैं एक आयुर्वेदिक जी, उस चीज़ का मेरे को आज पहली बार अनुभव लिया मैंने, तो जो अनुभव था बहुत अच्छा था। मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा कि आयुर्वेद और जो अपना पंचकर्म है, जो भविष्य के लिए थोड़ा धीरे धीरे देता है, लेकिन परमानेंट रिलीफ देता है। अदरवाइज चीज़ों से आप पेन किलर लेते हैं, वो सिर्फ क्या करती हैं, कुछ दिन के लिए आराम देती हैं, देन वापस वही बनी रहती है। लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट हुआ, मेरे को बड़ा अच्छा लगा इसका ट्रीटमेंट का। तो इसके लिए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अपना आयुर्वेदिक उपचार, आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियाँ हैं उसका कोई तोड़ी नहीं है, थोड़ा स्लोली स्लोली वर्क करती है, लेकिन ये है कि परमानेंट रिलीफ देती हैं, क्योंकि मुझे खुद को रिलीफ मिला है और चीज़ से मैं बिल्कुल मुक्त हुआ हूँ। धन्यवाद प्रशांत जी। ओके जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब।